पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया गया। हालांकि इस बार कोरोना संकट ने इसकी चमक थोड़ी फीकी कर दी। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर की, तो अल सुबह से मुस्लिम इलाकों में चहकदमी देखने को मिली। वहीं जबलपुर कलेक्टर भरत यादव एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने रानीताल ईदगाह पहुंचकर मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद को ईद पर बधाई दी। यहाँ पर उन्होंने मौजूद तमाम मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबाद दी और सभी से आपसी भाईचारा सद्भावना के साथ ईद के पर्व को मनाने की अपील की। वहीं कलेक्टर व एसपी ने इस मौके पर कोरोना की तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार को सद्भावना से मनाने को भी आग्रह किया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज बहुत मुबारक दिन है, सभी को मालूम होना चाहिए ईद उल अज़हा का दिन है। यहाँ उमती जामा मस्जिद उमती चौराहे में, बड़ी उमती जामा मस्जिद में हाफिज़ सिराजुल हसन की इमामत में यहाँ 7 लोगों ने नमाज ईद उल अज़हा की अदा की। अल्लाह तबारक तआला इसको कबूल फरमाए। और हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की जो आदेश हुए थे और मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश की जानिब से मुशाहदा सिद्दीकी की तरफ से, उस पर हम लोगों ने अमल किया। सब लोगों ने, चंद लोगों ने मस्जिद में नमाज़ें अदा की और कुछ लोगों ने अपने घरों में नमाज़ें अदा की। अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमाए। इसकी बरकत से हमारे शहर जबलपुर को खुशहाल रखे, कोरोना वायरस दूर होए, सब लोग अपने अमन अमां में रहे। ईद उल अज़हा की ये कुर्बानी की तैयारी हो गई, सब लोग अपने अपने घर जाकर कुर्बानी अदा करेंगे। अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए। हमारे यहाँ उमती चौराहे पर पूरे पुलिस प्रशासन मौजूद है, उनकी मौजूदगी में हम लोग ने यहाँ नमाज़ें अदा करी बड़े अमन अमां के साथ। उन लोगों ने भी हम लोग का यहाँ बहुत सहयोग किया। हम मुस्लिम समाज, मुस्लिम परिवार की ओर से मस्जिद उमती चौराहे की जानिब से पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों ने बहुत यहाँ मदद की और MPEB नगर निगम और ये सब प्रशासन की ओर जितना इन लोगों ने सहयोग किया है, इन सब का हम शुक्रगुजार हैं, खैर मकदम करते हैं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अशफाक अहमद कादी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।